हाय एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ एक और रिक्वेस्टेड सॉन्ग. इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, मतलब 2019 सितंबर का सॉन्ग है, 2 AM करण औजला का. एंड इसमें है रूपन बाल, आई थिंक रूपन बाल डायरेक्ट करते हैं, राइट? एंड रोज खिला ने म्यूजिक दिया है, यस, वीडियो बनाया है रूपन बाल ने. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम रिएक्शन 2 AM बाय करण औजला. आवाज अच्छी है बंदी की. आपे तोड़ के वे आपे जोड़ लेना तू, आपे दूर भेजे आपे मोड़ लेना तू. ओदा भी आ टैलेंट बथेरा मुंडिया, बड़े चंगे दिल भी वे तोड़ लेना तू. झूठ ने बुला दी मत मारी पिया, बल्ले वे बल्ले तू कुड़ी चारी पिया. धोखे दी एक मिनट, ये चल क्या रहा है? 24 hours earlier वो घर से निकले, फिर ऑफिस गए, एंड जब फिल्म स्टार्ट हुई है तो वो कुछ, तो ऐसा लग रहा है किसी ने मारा वारा है उनको, समथिंग या समथिंग. एंड अभी खून लगा हुआ था शर्ट पे, कुछ स्टोरी आने वाली है. सुख सिंगेरा ने करा है क्या इसमें? एक सेकंड रुक जाओ यार, कौन है ये? मतलब सुख धालीवाल को डायरेक्टर है, मतलब सही है यार, मतलब कहानी दिख रही है मुझे इस गाने में. एनी वेज, आई एम सो सॉरी फॉर स्टॉपिंग, चलते हैं आगे. प्लानिंग तू साल कर दे, धोखे दी प्लानिंग वे साल कर दे. राती 2 बजे काल कर दे, चंगे टाइम किथे मंदे हाल कर दे. जदों तेरा पर जांदे मन मुंडिया, वे चक के ब्लॉक नालो नाल कर दे. 2 बजे काल कर दे, चंगे टाइम किथे मंदे हाल कर दे. आई रियली लाइक दिस लाइन, मतलब ये गाना चीटिंग के ऊपर है. एंड ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हाँ, मतलब कि बहुत जालिम है तू, रोने भी नहीं देता, सपने में धोखे देता है. कि जो लाइन है ना, सपने में धोखे देता है, सपने में धोखे देता है, सोने भी नहीं देता. चलिए आगे सुनते हैं. बहुत अच्छी लाइन है. उजड़े जो है, जो उजड़ जाते हैं वो बसते नहीं है. और उसके आगे क्या था? उजड़े नहीं बसते लोकी रहते, उजड़े दोबारा नहीं बसते और लोग हंसते रहते हैं. राइट राइट. कौन कितने माड़ा सी हाय, स्क्रीन शॉट दस दे अमृत दस, कौन बाहर कर पाउंदा मेरिया बाहों का लिख याद भी नहीं आउंदा. जिते मेनू चढ़ दे सियाल कर दे, जिते मेनू चढ़ दे सियाल कर दे. राती 2 बजे काल कर दे, चंगे टाइम कितने मंदे हाल कर दे. जदों तेरा पर जांदा मन मुंडिया,
मदे हाल कर दे वे तेनू लगे तू ही गला जमे पलेर मेनू सब समझा है मैं बच्ची थोड़ी रे ये जो सीन है मतलब ये जो लोकेशन है जहाँ पे अभी अपनी शायद गर्लफ्रेंड के साथ है यहीं पे तो सुबह उठ के वो जा रहे हैं ना जब उनको खून वून निकल रहा है नॉल यही धोखा देगी देखना ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਚੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਬਦਲੂੰਗੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਰਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੌਂਗ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਤੂੰ ਨੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਨ ਕਰਦਾ ਏ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਚਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਰਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਚਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ 2 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਵੇ ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀ मुझे लग रहा था कि किसी ने मारने की कोशिश की बच गया है अभी सुधर जाएगा तो मतलब बिल्कुल ट्विस्ट दिखा दिया मरा हुआ दिखा दिया है तो ये पंजाबी सॉन्ग में यार आत्मा आत्मा बहुत दिखा देते हैं क्या है मतलब एनीवेज बट जोक्स अपार्ट ये जो गाना है इस गाने में जो चीटिंग का चीज दिखाई है जो ये कहा है कि 2 बजे कॉल करता है यू नो जब मन में आता है तब कॉल करता है एंड जब मन भर जाता है तो ब्लॉक कर देता है एंड ये सब जो चीजें बताई हैं बेसिकली चीटिंग एंड ऑल की तो दिस एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एंड तो ये काफी है मतलब हमारी सोसाइटी का पार्ट है ये लॉट ऑफ कपल्स यू नो चीट करते हैं एक दूसरे पे एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग और ऑब्वियसली और आयरनी है या मतलब मैं कहूँगी कि हंसी आती है समटाइम्स मुझे मतलब मैं अभी गाना ख़त्म हुआ है तो बस एंड कर रही हूँ कुछ बातों से यू नो 90% लोग या 80% लोग जो आपके आसपास भी हैं जब भी आप किसी से भी बात करोगे ना किसी से भी बात करोगे यू नो कि अरे यार चीट एक्स वाई जी ने चीट किया किसी के ऊपर या चीटिंग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर दिया ऐसी किसी बात पे डिस्कशन कर रहे होगे तो जिससे भी डिस्कशन आप करोगे हर कोई आपको डेफिनेटली यही कहेगा हाँ यार चीटिंग तो बहुत गलत चीज़ है आजकल हर कोई एक दूसरा मतलब कपल में एक दूसरे के ऊपर चीट करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मज़े की बात यह है कि जो लोग ये बोलते हैं ना मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास ने 10 लोगों से बात की वो 10 के 10 ये बोल रहे हैं उन 10 में से ही 5-7-8 लोग यू नो चीट करेंगे तो बोलने के लिए हर कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कि ईमानदार रहना चाहिए चीट नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हर कोई अच्छी बात ही करेगा बट द पर्सन ह्यूमन मतलब इतना अजीबो गरीब क्रिएचर है कि बोलता कुछ है लेकिन उसके अंदर चलता कुछ है और वो करता कुछ है तो ये बहुत ही वियर्ड लगता है मुझे कभी कभी एंड ये मैंने अपनी सोसाइटी में मेरे आसपास खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है दैट लोग इतने दूध के धुले लगेंगे एंड दे विल टॉक अबाउट एथिक्स प्रिंसिपल्स एंड ऑल एंड खुद ही फिर जाके चीट करते हैं एंड अजीबोगरीब हरकतें करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि सावधान रहिए इन चूजिंग अ लाइफ पार्टनर और या अ सोलमेट फॉर यू बाकी कुछ नहीं एंड खुश रहिए एंड खुश रहने के लिए आपको दूसरों को खुश करना चाहिए एंड अब हमें खुश करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी कीजिए एंड बाय बाय.